कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला हैं और वो बोल रहे हैं कि बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड वो मोदी सरकार के बीच में हुआ। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, फ्रॉड के बारे में आप बता रहे थे, क्यों आप इसको सबसे बड़ा बोल रहे हैं? हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक घोटाला अब सामने आया है। मोदी सरकार की अब फ्लैगशिप स्कीम है बैंक फ्रॉडस्टर्स के लिए, लूटो और भगाओ और जनता का पैसा खाओ, बैंकों को डुबवाओ, ये उनका तरीका बन गया है। ये एबीजी शिपयार्ड गुजरात बेस्ड सूरत बेस्ड कंपनी है जिसका 2017 में दिवालिए की घोषणा हुई, 2018 में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये स्कैम है, 2019 में बैंकों ने उनके अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर किया, पर 5 साल तक सीबीआई, एसबीआई, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय लव लेटर लिखते रहे और लोगों का पैसा लूटता रहा। ये चोरी और सीनाजोरी दोनों नहीं तो क्या है? तो आप डायरेक्टली कैसे ब्लेम कर सकते हैं अगर ये है, अगर प्रोसेस है तो मोदी सरकार को आप जिम्मेदार कैसे ठहरा? मुझे आप बताइए, अगर इंडिया टुडे और आज तक में कोई व्यक्ति 1 लाख का भी गबन कर ले तो अगले दिन FIR दर्ज होकर अंदर हो जाएगा। 5 साल तक लव लेटर नहीं लिखेंगी पुलिस एजेंसियां। यहाँ देश का 23,000 करोड़ रुपया खाया जा रहा था। कंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सीधे सीधे। अगर ये मिली भगत नहीं तो क्या है? अगर आप 5 साल तक किसी व्यक्ति को जिसने फ्रॉड किया है पैसा गबन करने की इजाजत देंगे तो क्या वो पैसा रिकवर हो पाएगा? पैसे गबन से बात आती है, इलीगल सैंड माइनिंग, और क्योंकि हम चंडीगढ़ में खड़े हैं इस वक्त और चरणजीत सिंह चन्नी पर भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अब क्लीन चिट की बात कर रही है, लेकिन डीसी रोपड़ का कहना कि प्रोब अभी कंप्लीट नहीं है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये जो मुद्दा है बड़े तौर पे उठाया जा रहा है। देखिए, वो बोलते हैं कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। बड़ी सीधी बात है, पंजाब पुलिस ने एक FIR दर्ज की 5 साल पहले। ना उसमें चन्नी जी का नाम है, ना उनके किसी रिश्तेदार का नाम है, ना उनका लेना देना है, ना उनकी कोई माइन है। 5 दिन पहले 10 दिन पहले चुनाव से ईडी कूद पड़ती है क्योंकि इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया वो बीजेपी का, और चन्नी जी के एक रिश्तेदार का नाम लिख देते हैं। आप ईडी मुझे दे दीजिए, लाइए मैं मोदी जी और अमित शाह जी का दोनों का लिखवा देता हूं। ये तो इसी प्रकार से है कि जोर जबरदस्ती और धींगा मस्ती हो रही है प्रजातंत्र के साथ, चन्नी जी के साथ। चन्नी साहब उनको ब्रिटिशर बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी को मुगल बता रहे हैं, क्या ये बात सही है? ये कहना भी इस तरह का जो पॉलिटिक्स हो रहा है। देखिए, अंग्रेज ने क्या किया था, फूट डालो और शासन करो। नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं। उस समय भी जो उनके पितृ संगठन थे वो अंग्रेज के पिट्ठू थे, और आज भी वो अंग्रेज की नीति पर इस देश को विभाजन की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे गरीब दलित साथी इकट्ठे मिलकर पंजाब जैसे प्रांत में तरक्की करें, इसलिए वो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी कौन है? वो और मोदी जी तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि यही मुख्यमंत्री केजरीवाल तो हैं जिन्होंने मोदी जी के काले कानूनों को नोटिफाई किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उससे पहले प्रियंका गांधी भी हैं और अमित शाह भी हैं। एक तरह से कारपेट बॉम्बिंग हो रही है VVIPs की, किस तरह से देखते हैं ये आखिरी एक हफ्ता? मुझे लगता है पंजाब हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और पंजाब और कांग्रेस उनका एक आध्यात्मिक जुड़ाव भी है, भावनात्मक जुड़ाव भी है और ऐतिहासिक जुड़ाव भी है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो शिकस्त मिलेगी, हार मिलेगी, वो बाकी 4 राज्यों के साथ पूरे पूरे के पूरे देश में आगे का आने वाला आईना है। जनता तय करेगी, और क्या वो तय करेगी वो 20 को ही पता चलेगा जब वोटिंग होगा। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।